हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज सीखने के इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं एल्स इफ लैडर। इससे पहले मैंने सिंपल इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट पर एक एक वीडियो बना करके रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप यहाँ से देख सकते हो, और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करवाते हैं कुछ इस तरह से, और इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होती है उस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है। हम इसको कोड करके देखते हैं। अब हम देखते हैं इफ एल्स लेडर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको यहाँ पर इसका सिंटेक्स दिखाता हूँ। इफ एल्स लेडर में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। आपको एक बात याद रखनी है, इफ एल्स लेडर के इस पूरे स्टेटमेंट में एट अ टाइम कोई भी एक ब्लॉक रन करेगा, या तो ये ब्लॉक रन करेगा या फिर ये या फिर ये या फिर ये, एट अ टाइम इनमें से कोई भी एक ब्लॉक रन करेगा। जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो ब्लॉक रन कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंडीशन लिखी, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो ये इफ का जो पहला स्टेटमेंट है वही रन कर जाएगा, और इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। मान लो कि ये पहले इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, फिर चेक होगा दूसरे एल्स इफ की कंडीशन, अगर ये ट्रू हुई तो ये दूसरे वाले एल्स इफ का कोड रन कर जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरे की भी फॉल्स हुई तो ये तीसरा वाला चेक करेगा, अगर तीसरे वाले एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो तीसरे वाले एल्स इफ का कोड चल जाएगा। लेकिन अगर ये तमाम इफ एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो सब कंडीशन फॉल्स होने पर लास्ट में जो एल्स लिखा हुआ है उसका कोड रन कर जाएगा। जब भी हमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक करवानी हो उस वक्त हम लेडर का यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेडर का यूज हम कब करते हैं, तो आप कहोगे कि जब भी हमें एट अ टाइम एक से ज्यादा कंडीशंस एक साथ चेक करवानी हो उस वक्त हम एल्स इफ लेडर का यूज करते हैं। इनमें से जिस भी इफ की या एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी उस ब्लॉक का स्टेटमेंट रन कर जाएगा, और जिसकी कंडीशन फॉल्स हुई वो कोड रन करेगा ही नहीं। और इसमें जो लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एल्स, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। अब हम इफ एल्स लेडर का कोड करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक इन टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, इंट एन, यूजर से एक नंबर इनपुट करवाऊंगा, प्रिंट एफ एंटर दी नंबर, वो नंबर जाएगा वेरिएबल एन में स्कैन एफ की मदद से। तो मैं इस तरह का कुछ प्रोग्राम बनाता हूँ कि यूजर अगर पॉजिटिव वैल्यू एंटर करेगा तो प्रिंट में मैसेज आएगा नंबर इज पॉजिटिव, अगर यूजर नेगेटिव वैल्यू एंटर करेगा तो मैसेज आएगा नंबर इज नेगेटिव। लेकिन मैं इसको इफ एल्स लेडर की मदद से बनाऊंगा, आप बस देखते जाइए। मैंने लिखा इफ एन ग्रेटर देन जीरो तो प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव, अगर जीरो से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव होगा। एल्स इफ, आपको याद रखना है कि आप इफ में कंडीशन लगा सकते हो, एल्स इफ में भी कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ एल्स में कंडीशन नहीं लगा सकते। एल्स इफ एन लेस देन जीरो तो प्रिंट होगा नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पर दो कंडीशन चेक हुई, अगर नंबर जीरो से बड़ा हुआ तो नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट होगा, अगर नंबर जीरो से छोटा हुआ तो नंबर इज नेगेटिव। और अब मैं लास्ट में लिखता हूँ एल्स, यहाँ पर तीन चीजें हो सकती है, या तो नंबर जीरो से बड़ा होगा, या नंबर जीरो से छोटा होगा, या फिर नंबर खुद जीरो होगा। जब भी यूजर जीरो प्रेस करेगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा, नंबर इज जीरो। अब मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करता हूँ, एंटर द नंबर, मैंने एंटर किया जीरो तो मैसेज आया नंबर इज जीरो, यानी कि जब मैंने जीरो वैल्यू इनपुट की तो एन में गया जीरो, तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक हुई नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो ये फॉल्स हो गई क्योंकि मैंने तो जीरो एंटर किया था और यहाँ पर कंडीशन में लिखा हुआ है नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन चेक हुई नंबर लेस देन जीरो, तो मैंने जीरो एंटर किया था तो जीरो जीरो से छोटा नहीं हो सकता, जीरो जीरो से बड़ा भी नहीं हो सकता, छोटा भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई। अब जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई इस सिचुएशन में ये वाला एल्स का कोड रन हो गया और प्रिंट हुआ नंबर इज जीरो। अब अगर मैं फिर से इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ और प्रेस करता हूँ फाइव तो नंबर इज पॉजिटिव। जब मैंने फाइव प्रेस किया तो सबसे पहले जब कंडीशन चेक हुई तो ये कंडीशन चेक हुई, तो फाइव ग्रेटर देन जीरो, यस ये कंडीशन पहले ही ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड प्रिंट हो गया, और एट अ टाइम इसमें से कोई भी एक ही कंडीशन ट्रू होगी और जिसकी ट्रू होगी वो वाला कोड रन कर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एंटर करता हूँ माइनस नाइन एंटर तो प्रिंट होगा नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि मैंने माइनस नाइन इनपुट किया तो माइनस नाइन जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन चेक हुई माइनस नाइन लेस देन जीरो, यस ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको ये इफ एल्स लेडर का कोड समझ में आया होगा। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, और अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।